या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलाम अर्ज करदा। गल ये जी कि सब तो पहले जिहड़ी गल आ ओह एक दो ट्वीट आ उहनां दे मुतलक तुहानूं आगाही दिंदा। जलसा हरिपुर ओह की कहिंदा, इमरान खान साहब की तारीख आ अदालत दे विच, उहदे ते की जड़ा वा खदशात आ या की गलबात हो सकती आ, कुछ उहदे ते गल करदे आ जी। गल सब तो पहले मौलाना तारक मसूद साहब जिहड़े आ उहनां दे दो ट्वीट आ जी। एक सब तो पहला ट्वीट जिहड़ा वा ओह पढ़न वाला जिहड़ा उहनां दा अज दे ट्वीट दे विच जिहड़ा वा कि मुल्क बचाने आए थे, मुल्क बचाने आए थे, मुल्क फरोख्त करना शुरू कर दिया। समझो उहदा मतलब ये सी कि मुल्क ये जिसले पाकिस्तान पीडीएम जिहड़ी आ 13 जमाती इहदाद ये मुल्क बचाण वास्ते आए जी, महंगाई खत्म करना आए सी जी, पाकिस्तान दे अंदर अमन अमान लैके आना सी जी, इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की लैके आने सी। कहिंदे सी भी बैक असी को मंगण नहीं आए, 75 साल तो असी मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान जिहड़ा मंगदा आ रहा, असी इंशाअल्लाह वादा करदे हां तुहानू। साडे वज़ीर आज़म साहब दा ये स्टेटमेंट जिहड़ा इमरान खान साहब अक्सर जिहड़ा चलांदे आ उहदे विच जलसियां दे विच कि असी 75 साल हो गए पाकिस्तान बने नूं, हजे तक असी मंगदे ही आ रहे हां, ते अगे इंशाअल्लाह असी दिन रात मेहनत करके अपने पैरां ते खड़े होण दी कोशिश करांगे जी। ये मेरे वज़ीर आज़म साहब जिहड़े आ, मोहतरम शहबाज़ शरीफ साहब जिहड़े अजकल कतर गए हुए आ, उह ये बयान देंदे सी कि मैं भीख नहीं मंगण आया, सिर्फ मजबूरी आ। हुण 75 साल जिस मुल्क नूं बणे नूं हो गए हन, तां उहदे हाथ विच एक बंदा बच्चा पैदा हो के बुढ़ा हो जांदा, उहदी दाढ़ी सफेद हो जांदी, ते उह अगर फकीर दा फकीर ही होवे ते मरदे वेले उहनूं कोई बंदा ये गल कह देवे कि बई तू यार ये फकीरी दावा जिहड़ा इहनूं छड़ दे, ये कारोबार छड़ दे, उह कहेगा कि मैं करां ते की करां। मिसाल दे तौर ते मैं एक कारोबार करदा जी, या तुसी को कारोबार करदे हो, तुसी अपनी को उम्र दा हिस्सा 50-60 साल 70 साल उस कारोबार ना दिते होण, तां तुहानूं को कहे बंदा कि कारोबार होर शुरू कर लो, तां तुसी कर सकदे हो। ये साडी नस नस दे विच पाकिस्तान दी च बस गया कि असी फकीर हाँ, तां फकीर दे फकीर ही रहना। पर हल के तारक मसूद साहब ने जी जिहड़ा वारदात पाई आ जी, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जिहड़ा वा वह बराए फरोख्त किया, अदारे होर भी आ, और बराए फरोख्त इस तरह किया गया दुबई जाके जनाब वो जिहड़े शेख साहब आ उन्हां नाल वो मुआहदा तय होया जी, वो 4 अरब डालर का होया, 3.5 अरब डालर का होया। उहदी हुण तफसीलात आ जाणगियां जी कि वह इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जिहड़ा उन्हां दे नाल वो जो भी काम किया होगा। लेकिन उहदे तो पहले जिहड़ी आ वारदात जिहड़ी पाई गई सी कौमी असैंबली दे अंदर, उहदे ते एक बिल पेश किया गया सी कि साडे उत्ते कोई अदालत नहीं पुछ सकती, सानू कोई जिहड़ा वा अदारा नहीं पुछ सकता, उत्थे उह भावें जिन्ने दा मर्जी वेच आन। असल असूल तां इह हुंदा कि बिट हुंदी आ ओपन मार्केट जिहड़ी आ, उहदे विच ठेकेदार या बोली दहिंदगान जिहड़े आ उह आंदे आ, अपनी बोली दिंदे आ, जिहड़ा बढ़ के दे देवे उह जनाब जिहड़ा वा उह चीज़ लै जांदा। इह इक असूल आ जिंदगी दा। लेकिन इस कानून नूं बदलिया गया जी, क्यों? इहदे विच पाकिस्तान दे एयरपोर्ट आ, पाकिस्तान रेलवे आ, पाकिस्तान स्टील मिल आ, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस भी शायद विच हैगा वा, कुछ ऑयल रिफाइनरियां वा, ये जनाब इन्हां ने सेल आउट करनियां कि पाकिस्तान मकरूज हो चुकिया, उहदे कर्ज जिहड़े उतारण वास्ते जनाब ये काम करना। वो हुण किन्ने दा की कीता की नहीं कीता, स्याह सफेद जो कीता उहदे मुतलक तारक मसूद साहब ने जनाब ये बयान दिता कि आए ते सी जी मुल्क बचाण, आए सी आवाम नूं रिलीफ देण, जिहड़ा रिलीफ दिता वह तुसी देख लवो कि बिजली होर महंगी कर दिती गई आ, आ यकम तरीक तो पेट्रोल होर सुनिया महंगा होण लगा जी, आखिर असी किधर नूं चले जाओगे? साडा मुल्क जिहड़ा वा आवाम जिहड़ी आ उहनां दी जबान बाहर आ गई, इन्ने इन्ने बिल आए आ मेरे जी, मतलब कि ऐसे ऐसे लोग मैं हुण की तुहानूं कहां कि जिन्हां दे घर एक पखा एक फ्रिज एक लाइट राड नूं बलदी आ, ते मोटर पानी सिर्फ सक करदी पाइप चों, तो अपना एक ड्रम जिहड़ा नहाण वाला टैंकी वाला वह भर लैंदे आ, ते बिल आया जी 7000 रुपया, किसी नूं 5500 रुपया,
लोग कितों पैसे दे देंगे, किसी का 22,000 बेला, किसी का 24,000 बेला, ये हजे होर जनाब वधने। ये है जी मुश्किल फैसले जिदे ते साडा मीडिया खामोश है। इस तो अगे आ जाओ जी, कल मतलब कि जिहड़ा वा वो ये आ भी इमरान खान साहब के उत्ते जिहड़ी आ एलीगेशन लगे, कल जिहड़ा इंटरनेशनल मीडिया चीखिया चलाया उहदे ते मौलाना फजल रहमान साहब जिहड़े आ उन्होंने स्टेटमेंट सुनिया ये दिती आ कि गैर मुल्की मीडिया जिहड़ा इन्हां दे हक च बोल रहा वो जिस तरह जो लफज कहिंदे हुंदे आ वो कुछ कह के ते अगे उहदे मतलब जिहड़ा वा वो अपना उन्होंने अजहारे ख्याल किया। अफसोस की गल आ जी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी किसी मुसलमान नू की किसी काफर नू भी काफर ना कहो, हो सकता किसी मुसलम किते हो जाए तो ये जिहड़ा बंदा वा ये वो बंदा वा जिन्हें नमूसे रसालत का महाफज बनया वो मतलब जिस वेले दिल करता मौलाना साहब ऐसी गल कर देंगे। मौलाना साहब नू सोचना चाहिए आखिर रोज़े आखिर इस गल का जवाब भी देना पैना, ये सियासत उत्थे नहीं जानी जी। ये मौलाना साहब नू सोचना चाहिए जिहड़े उन्होंने पैरोकार आ, मेरी उन्होंने अगे रिक्वेस्ट आ कि ऐसी जिहड़ी गल आनू ना किया जाए जिदे नाल इंतशार फैलाया जाए या उन्होंने जान नू कोई नुकसान हो जाए, कोई मेरे वर्गा अहमक जिहड़ा वा कोई मतलब कि होंदे ना बाद जज्बाती लोग होंदे आ वह कोई एवं गलत गल कर जाण या कोई फैसला करते। अक्सर ये तुसीं देखिया होना जिदा वह श्रीलंकन बेचारे नाल कीता, उन्हें गलत किया या माड़ा किया, अगर बुरा किया अदालत च लै जाते, अगर वो जुर्मदार होंदा तो उन्हें सज़ा देती जाती। लेकिन इस वक्त जिहड़े हालात वाकयात वो कहिंदे कि किद्दां इस बंदे तो जान छुड़ाई जाए। बहरहाल के जी तीसरा जिहड़ा दूसरा ट्वीट आ उस तो बाद हरिपुर वाले जलसे के उत्ते आना वा कि यूसफ कैट स्टीवन ये नाम आ जी, एक बंदे का सिंगर आ और पहले वह मतलब कि गैर मुसलम सी हुण अजकल मुसलमान हो गए। उन्होंने दो ट्वीट किए जी, दो ट्वीट किए आ जी, वो ये किए आ एक ट्वीट किया पाकिस्तान के अंदर जिहड़ी सैलाब की पोजिशन जिहड़ी बहुत गंभीर हो चुकी, बस्तियां दी बस्तियां जिहड़ियां वा वो उजड़ गई, उहदे मतलब उन्होंने एक ट्वीट किया। पहले उन्होंने इंग्लिश किया फिर उस तो बाद उर्दू च किया। तो ये नाल उन्होंने जिहड़ा इमरान खान साहब का जिहड़ा वा आ जिहड़ी एलीगेशन लाई आ उहदे मतलब उन्होंने एक ट्वीट किया वा कि जिहड़ा आज़ादी होंदी आ उहदे तहत आज़ादी हासिल करन वास्ते तगोदौ करनी पैंदी, अपने ख्यालात जिहड़े आ आवाम नाल शेयर करने पैंदे, आवाम नू गल समझानी पैंदी आ। वो उन्होंने अदलिया के मतलब कुछ सवाल जिहड़े कीते आ वह ट्वीट मैं कोशिश करदा जी इत्थे तस्वीर दे विच तुहाडे नाल शेयर कर देवां, जिहने वरना तुसीं ट्विटर जिहड़े लोग इस्तेमाल करदे हो वह उन्हां दा यूसफ / कैट स्टीवन ये उन्हों का हैगा वा, वह जाके तुसी चैक करोगे। उन्होंने जनाब एक अतराज किया, उन्होंने जज साहिबान अगे अपील भी की कि पाकिस्तान के अंदर एक जड़ा इस वक्त रजीम चेंज हो रहा या पाकिस्तान के अंदर जी गुलामी के खिलाफ जी आज़ादी की जंग लड़ रहा वो इमरान खान एक हक के उत्ते गल कर रहा, वह गला दबाना जड़ा एक मतलब मैं हूँ उन्होंने लफज जड़े आनू मैं कोट एंड कोट नहीं करता क्यों मजबूरी भी आ जी, बहरहाल के वो तुसी पढ़ लेना, मैं कोशिश करदा इहदे उत्ते स्क्रीन दे उत्ते उहदे नाल ही शेयर कर देवां ते तुसी पढ़ लेना। बाकी आ जाओ जी हुण हरिपुरे वाले मामले ते ते सैलाब दी सूरत हाल जिहड़ी आ अखीर ते लै जांदा जी, जिहदे ते कहा जांदा कि इमरान खान साहब जिहड़े सियासत कर रहे आ ते सैलाब दे उत्ते कुछ कर नहीं रहे ते हकूमत जिहड़ी आ जिहदा ये कम रिलीफ देना वह की कर रही आ। बहरहाल के जी गल ये आ कि इमरान खान साहब ने अज हरिपुर गए आ, हरिपुर उन्होंने जनाब जिहड़ा वा जलसा किया और उत्थे दौरान जलसा बारिश हुई आ, नहायत शदीद किस्म की बारिश हुई आ, लोग सी बेशुमार दुनिया सी जी, बेशुमार लोग सी उस जलसे दे विच, क्राउड जिहड़ा सी फुल चार सी, बारिश के दौरान औरतां बच्चे बुजुर्ग नौजवान जवान ये सब लोग सी ते हर गल ते लबैक कह रहे सी। उत्थे इमरान खान साहब ने जी खिताब किया, खिताब के अंदर उन्होंने अपना आज़ादी का पैगाम दिता, उस आज़ादी के पैगाम के नाल नाल उन्होंने आवाम नू सवाल किया जिहड़ा उन्हां ते तुहीने अदालत लाया गया उहदे मतलब उन्होंने सवाल रखिया कि क्या मैं किसी नू धमकी दिती, क्या मैं किसी के खिलाफ कोई नजायज़ जिहड़ी जिस तरह लड़ाई झगड़े च विच कोई डांग कोई सोटा
कोई होर ऐसी चीज़ इस्तेमाल मतलब जानलेवा इस्तेमाल की या आवाम ने कहा नहीं जी। उन्होंने कहा कि मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुण कानून जिहड़ा वा उहदे तहत किसी बंदे नूं तकलीफ होनी उन्हें थाने च जाना, किसी बंदे नूं तकलीफ थाने वाले को होनी उन्हें अदालत च जाना, वो अदलिया के किसी जज तो तकलीफ होनी भी तद भी अदालत के पैनल के कोल जाना कि आ मसला जिहड़ा वा इहनू हल किया जाए। ये इमरान खान साहब ने जो सवाल किया आवाम ने यक जबान होकर जनाब उत्ते कहा कि नहीं ओ हुण देखो जी अदलिया का फैसला वा, लेकिन इतदाज अहसन साहब का अज एक तजिया सी उहदे तहत जो हालात सरकमस्टांसिस पैदा किए जा रहे इमरान खान साहब के खिलाफ ना फॉरन फंडिंग केस ना जनाब जने होर जी एलीगेशन है जी के आ सादक और अमीन आला या होर जेड़े उहदे नालों सब तो ज़्यादा टफ जिहड़ा केस आ वो यही केस आ जी जिहड़ा ये गलती करवाई गई आ इमरान खान साहब को और जिन्हें वो तकरीर लिख के दिती आ ओ बंदे दे उत्ते क्वेश्चन मार्क आ उन्हें ये गल जिहड़ी आ लिखी आ और इमरान खान साहब ने वो दबंग अंदाज ना कह दिती आ। क्यों असल वजह यह सी कि जो अपना शहबाज गिल साहब के नाल हो गया वो जिहड़ा नाकाबले बयान आदि मुतलक फिर इमरान खान साहब की बर्दाश्त भी जवाब दे गई। 25 मई का जो वाकयात होया वो इमरान खान साहब जिहड़े आ जिदा कहिंदे बंदे नूं ख्वाब च वी याद आंदे आ उहनां नूं वो गल नहीं भुलदी पई। उहदे ते हकूमत पंजाब जिहड़ी आ उहदे ते वी सवाल उठाए जा रहे आ। KPK जिहड़ी उत्थे दी हकूमत आ उन्होंने कुछ लाहे अमल कल का थोड़ा जिहा तेज़ किया वा, लेकिन पंजाब हकूमत के मुतलक एक सवालिया निशान आ। परवेज लाई साहब जिहड़े आ उन्होंने मतलब हुण एंकर जिहड़े आ उन्हूं हवा भी देण वाले हवा भी दे रहे आ, लेकिन इहदे मुतलक मैं तुहानूं इह कहिआ कि सबर करो इंतजार करो, लेकिन फिल वक्त जिहड़ा क्वेश्चन मार्क आ। दूसरी गल वो ये इमरान खान साहब ने उहदे विच कीती आ कि तैयारी पकड़। मैं तुहानूं उदण वी इह गल कही सी कि हुण इमरान खान साहब और या जिहड़े लोग इमरान खान साहब के जितने भी खिलाफ आ वो फाइनल राउंड खेलन वाले आ। कल दी मेरी वीडियो जिहड़ी उहदे विच मैं ये जिक्र किया कि फाइनल राउंड आ इमरान खान साहब जिहड़े आ कल या परसों या 4 दिन या 10 दिन दे विच किते ना किते काल देणगे। इहदे मतलक शनीद आ हकूमत जिहड़ी आ उहदे विच कुछ लोग जिहड़े आ वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जिहड़ी गिरफ्तारी वाला अमल आ इहनू ना किया जाए, लेकिन इहनां दा मकसद जिहड़ा वा वो पूरा तद होना वा अगर इमरान खान साहब ते कोई पाबंदी लग जाए, अदलिया वालों लग जाए, वो जनाब इलैक्शन कमीशन वालों लग जाए, वो जनाब फिर जाके ये बचते आ। अगर ये गिरफ़्तार कर लेंगे तो जो नक्शा उदन आवाम ने पूरे पाकिस्तान पेश किया वो मतलब जरा टाइम्स अखबार आने जो कल लिखिया वा जी उन्होंने बहुत कुछ लिखिया वो असी वीडियो मतलब कि वीडियो वो ते गल भी नहीं कर सकते। उन्होंने कला कला नाम लैके हर बंदे का करैक्टर जिहड़ा उहदा अगे पूरा जिहड़ा वा अनैलिसिस किया कि पाकिस्तान च इस वक्त की हो रहा। इस तरह ही बाकी जिहड़े जिहड़े जरीदे सी या अखबार सी बड़े उन्होंने जिहड़े आर्टिकल्स लिखे आ उन्होंने एक सवाल चुकिया और उहदा प्रैशर अज जिहड़ा वा वो पाकिस्तान के उत्ते नज़र आ रहा। और इहदे ते इमरान खान साहब ने गल की कि जो मैनू दीवार ना लाण दे चक्कर दे विच पाकिस्तान नूं बदनाम किया जा रहा। तुहानूं याद होना अज तो कुछ दिन पहले मेरा ख्याल जिस दिन लाहौर जलसा सी उदन भी इमरान खान साहब ने गल कही सी कि कुछ मुफाद प्रस्त लोग जिहड़े आ वो मेरी और पाक फौज की लड़ाई करा के ते साडे विच नफरत पैदा करना चाहते हैं ताकि अपने जिहड़े आ सियासी अजायम उन्होंने हासिल कर लिया जाए। इस तरह के जदों इमरान खान साहब तो इन्हां दे दरम्यान दूरी बढ़ती जाएगी, इमरान खान साहब कोलों कोई ऐसा वाकया हो जाएगा जिहदे नाल स्टैबलिशमेंट या जिहड़े ताकतवर हल्के आ वो नाराज़ हो जाएंगे तो साडा रस्ता जिहड़ा असी अच्छे बच्चे बन जावांगे। इहदे मतलब इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर दे विच एक अहम ऐलान किया और अपील की अपने तमाम जिहड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आ उन्हां नूं कहा कि कोई ऐसी चीज़ अपना मवाद जिहड़ा कोई लिखण लगे बयान करन लगे कोई वीडियो शेयर करन लगे इस चीज़ का ख्याल रख्या जाके पाक फौज की किसी तरह तोहीन ना होवे। पाक फौज एक पाकिस्तान की इज्जत पाकिस्तान का वकार पाकिस्तान का एक अदारा और ये बगैर पाकिस्तान जिहड़ी आ उहदी शान शौकत जिहड़ी आ कुछ भी नहीं हैगी। इस तरह ही पाकिस्तान की अदलिया
यानी उन्होंने मुकम्मल अदारों के मतलब कि गल कही आ कि बड़े अदारे जड़े आ जिहड़े पिलर स्टेट के पिलर आ उन्होंने मतलब कि उन्होंने गल कही आ कि जिहड़ी गल आ ये तो इजतनाब किया जाए उसकी वजह एक साजिश जिहड़ी बड़ी गहरी तैयार की जा रही आ कि आने वाले जिहड़े जलसे आ उन्होंने कुछ लोग जिहड़े शामिल किए जाएंगे जिहड़े होणगे होर ग्रुपां दे लेकिन वो आ के जनाब कैमरा भी फड़ के आ जाएंगे आप ही सवाल आप ही जवाब बन जाएंगे बन के जनाब ते ऐसी कोई गल्लां करनगे जिहड़ियां जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ होणगियां या उन्हां दी इमेज नूं मुतासर करन दी कोशिश की जाएगी उन्हूं फिर सोशल मीडिया ते लांच किया जाएगा ताकि लोग ये सोचण कि ये जदों इन्हां दे क्राउड दे विच इदां दी आवाज़ आ रही आ ते इहदा मतलब आ कि लोग इन्हां तों मतनफर हो रहे लेकिन प्रोग्राम बहुत बन रहे आ लेकिन अल्लाह ताला दी जात जिहड़ी आ ओह जनाब जिहड़ी आ ओह हर गल दा तोड़ पैदा कर रही आ अज मतलब कि एक जिहड़ा ओह वकार मलिक साहब आ उन्होंने अपनी वीडियो दे विच उन्हां दे वीलॉग नूं तुसीं सुणोगे उन्होंने अज एक एनालिसिस कीता कि ओह जिहड़ा बच्चा जिहड़ा 17 साल दा सी जिहदे कोल माफ़ी मंगाई गई उस तों बाद जिहड़ा उन्होंने एक ट्वीट दिखाया जिहदा फोंट जिहड़े आ ओह यानी उन्होंने दस्सिया कि ओह उन्होंने अपने तजर्बे नाल या जो भी एनालिसिस कीता कि ओह इक्को बंदे ने तैयार कीते जिहड़ा को कंपेन इमरान खान साहब के खिलाफ नवी जिहड़ी आ ओह लांच करन दी कोशिश की जा रही आ मजहबी तौर पर ओह एक ही आदमी आ एक ही फोंट इस्तेमाल किया उन्होंने कैलबरी फोंट 2 का नाम उन्होंने दिता वा मकसद ये आ कि किसी तरीके दे नाल इमरान खान साहब नूं डीग्रेड किया जाए किसी तरीके दे नाल इमरान खान साहब जिहड़े आ इन्हां नूं सज़ा हो जाए किसी तरीके दे नाल इमरान खान साहब जिहड़े आ उन्हां नूं रस्ते चों हटा दिता जाए और दूसरा जनाब जिहड़ा कराची का इलैक्शन होया उहदी वजह दे नाल इन्हां दे होर परेशानी पै गई आ जिहड़े उदन रात नूं लोग निकले उहदी वजह नाल होर परेशानी पै गई आ बहरहाल के जी आ हुण जिहड़े बलदियाती इलैक्शन होणे सी उह जिहड़ी इलैक्शन कमीशन साहब आ जिन्हां नूं कहा जाता जी इलैक्शन कमीशन साहिब उन्होंने जी हुण उह सजी खब्बी मार के ना जी उन्होंने कहा भी अदलिया का भी उन्होंने एहतराम रख लिया तो अगला काम भी इन्हां दी सहूलत भी कर दिती आ उन्होंने कहा जी कराची दे इलैक्शन हो जाएंगे बाकी जगह पर बारिशां बहुत हो रही और उसकी वजह नाल जिहड़े इलैक्शन नामुमकिन उन्होंने हैदराबाद या दूसरे शहरों के जिहड़े बलदियाती इलैक्शन आ वह कैंसल करते ये नाल नाल इमरान खान साहब जिहड़े उन्होंने कराची के जलसे से वह भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिए आ इमरान खान साहब नू जिहड़ा वा ये उन्होंने उधर 9 सीटा ते उन्होंने 9 हलकियां च इलैक्शन जिमनी इलैक्शन भी लड़ना वा ये दौरान दौरान एक गेम जिहड़ी तैयार की गई है इमरान खान साहब नू मुकम्मल तौर पर इन्हां दिनां दे विच मसरूफ करता गया इलैक्शन कमीशन तारीख फलानी तारीख अदालत तारीख केस जमानत कराते फिरो यानी उन्होंने उलझा दिता जी ये दफ्तरी मामलात दे विच इस दौरान के अंदर दूसरी जिहड़ी गल आ इमरान खान साहब ने जलसे के एंड दे उत्ते कही जिहदे ते लोग जिहड़े सवाल चुक रहे जी इमरान खान साहब जिहड़े आ उन्हां नूं सलाबजदगान लई कुछ करना चाहिए देखो सारी गल जिहड़ी हुंदी आ हकूमत पाकिस्तान करदी हुंदी आ इमरान खान साहब दी दो सूबियां च हुकूमत आ उन्होंने बार बार अपने जिहड़े वज़राए आला वा उन्हां दोनों नूं अज भी हदायत जारी की आ इहदे नाल जनाब KPK वाले जिहड़े आ पंजाब वाले आ इन्हां नूं हदायत जारी की ते जिन्ना भी हो सकदा रिलीफ उत्थे दिता जाए वह पैगाम उन्हां तक पहुँचया वा उत्ते जिन्ना एक सूबाई हुकूमत काम कर सकती है सूबे का ही मामले आ जिथे जिथे आ अज मतलब कि मानसहरा इधर जिहड़े मरदान इन्हां इलाकियां दे अंदर जिहड़ा रेला आया वा उन्हें काफ़ी नुकसान किया जनूबी पंजाब जिहड़ा वा वह बहुत मुतासर होया इहदे नाल नाल सिंध जिहड़ा वा वह उजड़ गया जी बिल्कुल ही ना उत्थे कोई फसल रही आ ना उत्थे कोई चीज़ रही आ मकान तबाहो बर्बाद हो गए बस्तियां दियां बस्तियां जिहड़ियां वा वह पानी लै गया जी इस वास्ते तमाम जिहड़े मेरे दोस्त आ जिहड़े लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग आ उन्हां अगे भी अपील आ जिहड़ी जमातां जिदा अल खिदमत आ या दूसरियां तीसरियां जमातां उन्हां अगे भी अपील आ कि वह जनाब अपने रिलीफ कैंप लाण चंदा इकट्ठा करन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर जिहड़े आ उन्हां नूं चाहिए हर शहर च रिलीफ कैंप जिहड़े आ फौरी तौर पर वह इंस्टाल कर देन और उन्हां दे उत्ते जनाब चंदा इकट्ठा करन कोई आटा किलो दिंदा कोई घी दिंदा कोई टुटी हुई जुत्ती भी दे के जांदा कोई चादर फटी हुई दे के जांदा
वो सब चीज़ा जमा करके उन्होंने इलाकों से डिस्ट्रीब्यूट कीतियां जान। ये फौरी तौर पर मेरी ये आवाज़ आ, मेरे वो भरा जिहड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर आ, वो अपने अपने शहर के इस चीज़ के मतलब जिहड़ा वा सोचण और सोच के इत्ते लाहे अमल अपना अख्तियार करन। बहरहाल के जी हरिपुर का जिहड़ा जलसा सी उहदे विच जिहड़ी सब तो अहम गल आ कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च करना ही करना जी, जोदा उन्हां दे उत्ते शिकंजा कसिया जा रहा। आखिरी जिहड़ी गल मैं करन लगा कि अदालत दे अंदर पेशी दे दौरान तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जागते रहन जागते रहन। आ जिहड़े पिछले दिनों के अंदर अचानक इंटरनेट बंद हुंदा रहा, इहदी कोई टैक्निकल फाल्ट भी हो सकती आ, ये टैसटिंग बेस भी हो सकता। ये मेरी गल नूं गौर कीता जावे, ये टैसटिंग बेस भी हो सकता कि इलाके जिहड़े चैक किए गए कि साडा अगर असी इंटरनेट बंद करिए तो वो किन्ना कु मुअसर हो सकता। इस मामले उत्ते भी ज़रा होशियार रहना, अपने मोबाइल अपनी जिस वेले खान साहब अदालत जाण, उन्होंने हुण दलेरां नाल फैसला कर लिया, उन्होंने अदालत मतलब वकला जी उन्होंने तंजीम आ, उन्होंने या एडवोकेट्स जिन्हें भी वो लीगल टीम आ, उन्हें कहा खान साहब तुम अदालत च ना जाओ, उत्थे मामलात खराब होणगे। जिस तरह तारक मसूद साहब जिहड़े आ मुफ्ती तारक मसूद साहब, उन्होंने कहा कि खान साहब अदालत जाण ते जागदे रहना, होशियार रहना, सौ ना जाना ते मेरे ते ना रहना। ये गल उन्होंने कही आ और इस गल नूं मतलब समझो कि इतना बड़ा मुफ्ती जिहड़ा वो गल कह रहा, उन्हां तक भी इनफॉर्मेशन हुंदी आ कुछ भी वट हैपन उत्थे, मतलब कि मामलात जिहड़े आ वो कुछ भी हो सकता वा, यानी हर तरह अपनी तैयारी मुकम्मल रहनी चाहिदी आ ताकि अगर खुदा न खासा को ऐसा मामला हुंदा उहदा फौरी तौर पर अपना लाहे अमल अख्तियार किया जाए। बाकी जनाब वजीर आजम साहब जिहड़े आ जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया कतर गए आ, देखो उत्थों की रिजल्ट लैके आते, एक तो काम उन्होंने करता IMF जिहड़ी आ वह भी जिहड़ी आ उहदा भी सुनन च आ रहा कि वह भी जनाब उन्होंने कोई दस्खत दुस्खत हुण कर देने आ। इहदे च जनाब कमर जवेद बाजवा साहब जिहड़े आ वह जाती तौर पर अज भी उत्थे बैठे सी, इहदे च मामलात दे विच उन्होंने सब तो जिहड़ी गल जिहड़ी हैगी आ वह ये आ कि इन्हां दे हुण इन्हां दे नाल जनाब उन्हां नूं जा के वह मेहनत करनी पै रही आ, उंगली फड़ के चलाना पै रहा। जिहड़े कहिंदे सी असी फुल फ्लैज जनाब मकैनिक आ जी, इंजन पूरा खोल लैंदे आ मन लैंदे आ, लेकिन ये उस्ताद जिहड़े कच्चे निकले जी। पाकिस्तान की मोइशत डुब गई आ, महंगाई बेकाबू आ, डालर फिर महंगा हो गया, इहदे नाल नाल जिहड़ियां बाकी चीज़ां वह महंगीआं हो गईआं, बिजली महंगी हो गई। ये आ जी मुश्किल फैसले जिहदे ते मीडिया जनाब खामोश आ। इस दौरान दिनों में जनाब हुण जिहड़े बाकी मामलात आ वो देखो ते बाकी इंतज़ार करो, आखिरी राउंड चल रहा जी। ये हुण पटाका या इधर या बाबू रेल में या जेल में दोवां दे विचों की गल कर दीए, इन्हां दा हथ पै गया ते इन्हां ने खैर कोई नहीं करनी। तो खान साहब जिहड़े आ उन्हां कोल भी रिपोर्टां पूरियां पूरियां जा रहीआं, हर चीज़ का वो जिहड़ा एनालिसिस करके उदा दी जिहड़ी पुलिसी तैयार कर रहे आ। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दवे, पाकिस्तान जिहड़ा वा